न्यूज नोट में आपका स्वागत है। गलती से पाकिस्तान की सीमा में दागी गई ब्रह्मोस मिसाइल की जांच पूरी, सरकार ने लिया ये कठोर फैसला। वायुसेना के 3 अधिकारियों को मंगलवार को बरखास्त कर दिया, जिन्हें 9 मार्च 2022 को दुर्घटनावश ब्रह्मोस मिसाइल दागे जाने की घटना की उच्च स्तरीय जाँच में जिम्मेदार ठहराया गया था। वह मिसाइल पाकिस्तान में गिरी थी। वायुसेना ने हालांकि उन अधिकारियों के रैंक और नामों का जिक्र नहीं किया है जिन्हें बर्खास्त किया गया है, लेकिन समझा जाता है कि बर्खास्त अधिकारियों में एक ग्रुप कैप्टन है। रक्षा मंत्रालय ने 11 मार्च को कहा था कि तकनीकी खराबी के कारण नियमित रखरखाव के दौरान दुर्घटनावश एक मिसाइल चल गई थी और पाकिस्तान के एक इलाके में गिरी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार कोर्ट ऑफ इंक्वायरी COA ने इस घटना की जांच में पाया कि 3 अधिकारियों ने मानक संचालन प्रक्रिया SOP का पालन नहीं किया। उस घटना के बाद रक्षा मंत्रालय ने गहरा खेद जताया था, वहीं पाकिस्तान ने कड़ा विरोध दर्ज कराया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 मार्च को संसद में कहा था कि सरकार ने इस घटना को बहुत ही गंभीरता से लिया है तथा उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। 9 मार्च 2022 को हुई एक घटना से अवगत कराना चाहता हूं। यह घटना इंस्ट्रक्शन के दौरान अनजाने में हुई मिसाइल की रिलीज से संबंधित है। मिसाइल यूनिट के रूटीन मेंटेनेंस और इंस्ट्रक्शन के दौरान शाम को लगभग 7 बजे दुर्घटनावश एक मिसाइल रिलीज हो गई। बाद में ज्ञात हुआ कि यह मिसाइल पाकिस्तान के क्षेत्र में जाकर गिरी। यह घटना खेदजनक है। अगर समय पर आपको हमारी वीडियो की अपडेट नहीं मिल रही है तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक और शेयर भी करना ना भूलें।